Good morning, Ishwin. Good morning, Ishwin. मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग शर्मा, आपको आवाज आ रही है? मैम। ओके ओके। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्टीशंस डिस्कस किए थे कि कितने टाइप के होते हैं, कितने मटेरियल्स के हो सकते हैं। एंड आई आस्क्ड यू गाइस कि आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशंस, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसके एग्जांपल्स और मटेरियल्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए जितने कर सकते हैं, सो दैट आज हम लोग केस स्टडी स्टार्ट कर सकें। तो क्या इंफॉर्मेशन ढूंढी है आपने? मैम, आई फाउंड टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल्स एंड उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, एंड मतलब हमारा कितना स्पेस जाता है, पूरा प्रोसेस वैसे कि हाँ कैसे यूज़ करते हैं, एंड मतलब उस पार्टीशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये सब ओके। तो कौन कौन से टाइप्स के पार्टीशंस मिले आपको? मैम, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ब्रिक पार्टीशन वॉल, एंड मैम इसमें भी हमारे तीन आते, प्लेन ब्रिक पार्टीशन वॉल एंड रीइंफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल एंड ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल, एंड देन हमारा क्ले ब्रिक पार्टीशन वॉल आता है, एंड फिर ग्लास पार्टीशन वॉल। ग्लास पार्टीशन वॉल में भी टू टाइप्स के होते हैं, ग्लास शीट पार्टीशन वॉल एंड हॉलो ग्लास ब्लॉक पार्टीशन वॉल, एंड देन हमारा ओके। जैसे आपने ये एक तरह से इसे अगर हम प्रेजेंट करना चाहें इस इंफॉर्मेशन को, तो हम एक ट्री जैसा बना सकते हैं। ट्री जैसा एज इन लाइक पार्टीशन, देन उसके कितने ब्रेक वगैरह वगैरह, देन ब्रेक में ये, इस तरह का जो ट्री टाइप का चार्ट होता है वो बना सकते हैं। एंड सबके साथ आप या तो उसका स्केच बना सकते हो या आप फोटोज छोटे छोटे लाइक मैम स्केच तो बना सकते हैं क्योंकि इसके सारी इमेजेस स्केच वाली ही है, तो वो इजी रहेगा। हाँ, तो उनके साथ लाइक चार्ट में इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग, आप एक टाइटल लिख के उसके नीचे या उसके साइड में उसका स्केच बना दो। इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हो, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इन अ नाइस प्रेजेंटेबल वे। एंड आपने कहा था कि उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, ये भी आपने देखा था, तो उसे भी आप या तो ग्राफ ग्राफिक्स की तरह से बता सकते हो या प्रोसेस छोटा छोटा इस तरह से, है ना। तो एटलीस्ट आपको जैसे कितने तरह की इंफॉर्मेशन है, एक तो आपके टाइप्स हैं, एक आपकी इंस्टॉलेशन है, इस तरह से यू डिसाइड कि पहली बात तो कि आपको कितने शीट्स में, एक ही शीट में खत्म करना है या दो तीन शीट्स करनी है। लाइक एक A3 में कर रहे हो तो एक A3 में आपके सिर्फ टाइप्स हो सकते हैं, सेकेंड यस में मैम, बाकी इंफॉर्मेशन। या आप बड़ी एक शीट में कर रहे हो तो उसमें आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले शीट कंपोज करते हैं। यस मैम,
और पहले एक शीट कंपोज करके या रफ में कुछ दिखाओ, इतना करो, है ना। ओके आज हम लोग केस स्टडी खत्म कर लेंगे, तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाते हैं, और आप लोग करते भी जाओ तो आपका जो काम है वो इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके मैम। ओके ओके शिवम, आपने क्या यस ढूंढा? मैम, मैं अभी कुछ नहीं ढूंढा, देख रहे हैं। मैम क्यों नहीं ढूंढा है? पता नहीं था। पता रखा करिए, अब ऐसे देखिए आपका ही टाइम खराब हो रहा है। आप यस मैम, अभी होते इन्फॉर्मेशन तो आपका आज काम खत्म हो गया था, अब आपको घर पे करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर क्लास करना पड़ेगा। यस मैम, चलो ढूंढो, आप टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स और इन्फॉर्मेशन ढूंढ लो, तो एटलीस्ट आज काम करना, शीट पे काम करना स्टार्ट कर दो, है ना। यस मैम, मैं आपसे 10:25 पे आई विल आस्क यू अगेन क्या क्या मिला। ओके मैम।
सो इशरत कुछ हुआ, कुछ डिसाइड किया? यस मैम, मैम मेरे टोटल 14 पार्टीशंस हैं, सो मैम आई एम थिंकिंग कि मतलब 3 to 4 शीट्स में ऐसे फोर फोर करके एक में ही उसका ही सब ऐसे लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे अलग अलग ढूंढने से. ओके, तो मतलब जैसे 14 है तो चार चार एक शीट में. मतलब 4 to 5 ऐसे, मतलब किसी में कम है किसी में ज़्यादा है ऐसे ना, तो एडजस्ट. हाँ, ऐसा कर सकते हो. और कोशिश करना कि रिटन मटेरियल थोड़ा हो, मतलब सपोर्टिंग में रिटन मटेरियल हो, मेन स्केचेस हो. ओके मैम, रिटर्न ही तो ज्यादा है, स्केचेस तो थोड़े ही मतलब 1 to 1 to ऐसे हैं. अच्छा ठीक है, तो उस तरह से कर लो. मैम ऐसे कर देंगे, जो स्केच है उसी के थ्रू मतलब थोड़ा ऐसे रिटर्न एरो एरो करके शो कर देंगे तो थोड़ा कम हो जाए. हाँ, मतलब मतलब इन्फॉर्मेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट वो ऐसा ना लगे कि इस मतलब केस स्टडीज से ज्यादा वो फाइल जैसा ना लगे. थोड़ा उसे इंटरेस्टिंग तरह से प्रेजेंट कर सकते हो अगर रिटर्न मटेरियल है भी तो. यस मैम,
शिवम, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? मैम इसे बाल का ब्रिक्स का देख रहे थे मैम। हाँ, तो कुछ तो मिला होगा। यस मैम। मैम जितने टाइप्स के होते हैं ब्रिक्स, तो उन सबके देख रहे थे बाल ब्रिक्स, बाकी मटेरियल सभी देख रहा था, बाकी ब्रिक्स सारे मिल गए हैं। ग्लास पार्टिकल का पार्टीशन बाल, मेटल प्लास्टर स्लैब्स पार्टीशन बाल, सैंड कंक्रीट, क्ले क्ले। ओके, ठीक है, चलो और सर्च कर लो। यस मैम। एंड साक्षी, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने पार्टीशंस से रिलेटेड मटेरियल ढूंढा? यस मैम, आई विल टेल यू जस्ट वन मिनट। चेतना, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चेतना। सो आपने आपको क्या मिला पार्टीशंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन? व्हाट डिड यू फाइंड? मैम देर आर वेरिएशंस ऑफ पार्टीशंस लाइक मेटल फ्रेम पार्टीशन। मतलब मैम आई फाउंड आउट अ नंबर ऑफ मतलब पार्टीशंस एंड देन द वेरिएंट फॉर्म्स एज इन टिपिकली द टाइप्स ऑफ पार्टीशंस यूज्ड इन पर्टिकुलर स्पेसेस। फॉर एग्जांपल इन रेजिडेंसेस वी बेसिकली यूज पोर्टेबल पार्टीशंस, वुडन पार्टीशंस एंड वुड वॉल वुड वूल पार्टीशंस एंड मेटल पार्टीशंस। मतलब देर इज़ अ लिस्ट एंड देन इन कमर्शियल्स वी मतलब वी कैन यूज दीज बट अ फिक्स्ड लाइक एलुमिनियम टफ्टेड ग्लासेस जिप्सम बोर्ड्स कर्टन पार्टीशंस मतलब एंड कॉम्पोजिट एज इन अ मिक्सचर ऑफ ग्लास एंड एलुमिनियम्स आर ऑल्सो यूज। यस मैम। ओके ओके दैट्स गुड। सो हाउ व्हाट यू कैन प्रेजेंट इज कि आप अपने शीट को स्पेसेस से डिवाइड कर लो, लाइक रेजिडेंशियल टाइपोलॉजी देन कमर्शियल टाइपोलॉजी। क्योंकि आपने इसी कैटेगरीज में सर्च किया है तो डिवाइड इट लाइक दैट। एंड उसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या पार्टीशंस हैं, उसके या तो स्केचेस बना सकते हो आप, और यू कैन फाइंड इमेजेस और उसके छोटे छोटे लाइक 2 1 इंच बाय 1 इंच के प्रिंटआउट्स छोटे छोटे लगा सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट टू डू। यस मैम। ओके, तो शीट को कंपोज पहले कर लो, डिसाइड कर लो कि किस तरह से करोगे, वेदर यू विल बी यूजिंग वन बिग शीट और मल्टीपल स्मॉल A3 शीट्स, एंड देन उसमें किस तरह से प्रेजेंट करोगे। जैसे हम लोग हमेशा कंपोज करते हैं शीट को, डू दैट, स्टार्ट विद दैट, एंड वो हो जाए तो टेल मी। मैम एक डाउट है। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द टाइप्स ऑफ पार्टीशंस, सो इनिशियली इन द लिस्ट दे आल्सो मेंशन फॉर द ब्रिक पार्टीशंस एंड द क्ले पार्टीशंस। ऑब्वियसली दे आर मतलब अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंस बट दे आर अ फिक्स्ड पोर्शन। सो डू वी नीड टू मेंशन दिस और वी शुड नॉट डू मतलब डू मेंशन इन द लिस्ट? यू कैन मेंशन देम, क्योंकि ये इस टाइप के जो पार्टीशंस होते हैं वो भले ही ब्रिक के बने हों, वो होते बहुत पतले हैं, लाइक दे आर 3 to 4.5 inches थिक। यस तो मैम। उसके लिए फाउंडेशन नहीं बनाते हम। तो अगर आपको एक बड़ी इंटीरियर स्पेस मिली एंड यू वांट टू क्रिएट परमानेंट या हाँ काइंड ऑफ परमानेंट पार्टीशंस विद ब्रिक, तो यू कैन डू दैट। तो हाँ, इंटीरियर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको। दिस इज नॉट ओके नेसेसरीली कंस्ट्रक्शन वर्क,
रिमॉडलिंग में काम आता है. एंड ये इस टाइप के पार्टीशंस आर समटाइम्स यूज्ड इन पब्लिक टॉयलेट्स, इवन रेजिडेंशियल टॉयलेट्स में. अगर हमें शावर एरिया वो सब सेपरेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या इफ यू वांट टू क्रिएट अ परमानेंट पार्टीशन इन अ यू नो वैसे यूजेबल स्पेसेस, जैसे कि बेडरूम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, एक बड़े हॉल को छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड करना है, तो यू कैन यूज देम. तो हाँ, वो इंटीरियर्स में आ सकते हैं. यस मैम. मैम साक्षी मैम प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, शीट को कैसे प्रेजेंट करेंगे मैम? एक्चुअली मेरे में ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही थी. अच्छा, सो आपने आपसे आई आस्क्ड कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढी है. यस मैम, मैंने ढूंढी है मैम. रेजिडेंशियल एरिया में मैम यूजली सीएनसी के पार्टीशंस यूज होते हैं, बिकॉज उसमें जाली का कट प्रॉपर आता है एंड वो स्ट्रॉन्ग भी होता है. एंड मैम ग्लास पार्टीशन भी होते हैं कहीं कहीं मैम. हम लोग ग्लास के जो पैनल्स आते हैं वो भी हम लोग प्लाईबोर्ड पे फिक्स करके हम लोग उसको एज अ पार्टीशन यूज कर सकते हैं. हाँ. यस मैम. एंड मैम उससे मैम अगर छोटा स्पेस है तो वो स्पेशियस और लगने लगता है, बिकॉज उसमें इमेज रिफ्लेक्ट होती है. एंड मैम जितने भी वुडन पार्टीशन जो हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो हम लोग ग्लॉक से कट करके लगवाते हैं, प्लाई बोर्ड से कट करके लगवाते हैं मैम, लैमिनेट फिक्स करके उस पर. एंड मैम हॉस्पिटल्स में यूजुअली हमारा एल्यूमिनियम वाला ही होता है जो हम लोग यूज करते हैं उस पर. एंड विद ग्लास दैट ग्लास भी मैम वो साउंड प्रूफिंग वाला होता है, ताकि आवाज़ इधर से उधर ना आए, तो डिस्टर्बेंस उससे नहीं होता है. एंड रेस्टोरेंट्स और मैम होटेल्स में यूजली फैंसी पार्टीशन ही यूज होते हैं टू मेक देम लुक मोर अपीलिंग. सो उसमें भी मैम ये जाली पार्टीशन एंड मुगल स्टाइल पार्टीशन मैम, वुडन कार्विंग्स के पार्टीशन, ये सारे ऐसे यूज होते हैं. ओके, तो आपने हाँ, बिफोर आई से एनीथिंग, सीएनसी इज अ मशीन. तो सीएनसी राउटर एक मशीन होती है
आप उससे मेटल्स एमडीएफ कोरियन यस स्टोन मैम, कुछ भी यस कर दे सकते मैम, वो हैं, एमडीएफ सो शीट वो के पार्ट, सीएनसी। एमडीएफ शीट होती है। हाँ, तो वो एमडीएफ शीट के सीएनसी कट पार्टीशन है। यस मैम, एंड इसमें भी इसी तरह से सर्च किया था कि बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइपोलॉजी, रेसिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह से। तो आप भी अपनी शीट वैसे ही प्रेजेंट करो। स्टार्ट विद रेसिडेंशियल। अगर आप छोटे शीट पे यूज वर्क कर रहे हो, लाइक एसी पे कर रहे हो, तो यू कैन यूज मल्टीपल शीट्स, लाइक वन शीट इज फॉर रेसिडेंशियल, वन इज फॉर दिस, वन फॉर दैट। या फिर आप एक बड़ी शीट यूज कर रहे हो, तो यू कैन हैव उसी शीट को पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यस ठीक, मैम, तो यू डिसाइड दैट फर्स्ट कि आपको पहले तो क्या शीट यूज करनी, किस कितनी बड़ी शीट यूज करनी है, एंड उसे कंपोज कैसे करोगे, एंड शो दैट। मैम, इससे तो आपने स्टार्ट किया। यस मैम, आई एम कंपाइलिंग माय शेड्यूल। दिखा सकते हो आप? यस मैम, वन। मैम, इन शीट वी हैव टू शो द मटीरियल ऑल्सो, मतलब फ्रॉम विच मटीरियल दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज मेड अप ऑफ। हाँ, अगर आप स्मोक करते हैं तो इट विल बी बेटर, सो दैट आपको एक और एडेड लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज हो सकते हैं।
चेतना, व्हाट अबाउट यू? आपने डिसाइड किया कि कैसे ऑर्गेनाइज करोगे आप अपने शीट को? मैम आई एम थिंकिंग टू मेक वन शीट, मतलब इंडिविजुअली वन शीट फॉर रेजिडेंस एंड वन शीट फॉर कमर्शियल, एंड देन डिवाइडिंग द शीट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ पार्टीशंस इंडिविजुअली. क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन समझ में भी आएगी एंड यू हैव इनफ स्पेस टू मेक स्केचेस या ऐड फोटोग्राफ्स, ऐड टेक्स्ट और जो भी करना चाहते हैं. ओके सो स्टार्ट विद रेसिडेंशियल. यस मैम. मैम व्हाट इज द, मतलब आई वुड से व्हाट फॉर्म, मतलब व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट डू वी नीड टू ऐड, मतलब जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन आल्सो और a detailed description about a partition. जैसे आपने टाइप के फंड किए, तो पहली बात तो रेसिडेंशियल में क्या यूनिक होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट रेसिडेंशियल पार्टीशन. जैसे रेसिडेंशियल में हमें मल्टी स्टेज डिवाइड करना होता है एंड हमें एक डिजाइन एलिमेंट ऐड करना होता है. मे बी वी वांट टू ऐड मोर स्टोरेज, यू नो स्पेस डिवाइड करना है, थोड़ी स्टोरेज भी ऐड करनी है, थिंग्स लाइक दैट. तो जो कि ये फंक्शन कमर्शियल में नहीं होते. कमर्शियल में इट इज जस्ट फॉर डिवाइडिंग स्पेस एंड फंक्शनैलिटी एंड इस तरह से थोड़ा सा एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं. देन अलग अलग टाइप के बारे में आप ऐड कर सकते हो कि इसमें मोस्टली कौन से मटीरियल्स यूज होते हैं, इसकी फिक्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और उसमें जैसे आपने ग्लास बताया था, वुड बताया था, तो इज इट वुड, इज इट प्लाईवुड, यू नो, या वुडन लैमिनेट का इफेक्ट देते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेलिवेंट लगे कि हाँ ये आई, दिस इज समथिंग आई वांट टू रिमेम्बर, यू नो, इन फ्यूचर अगर मुझे पार्टीशन डिजाइन करना है तो दिस इज समथिंग आई शुड नो, तो यू कैन पुट दैट देयर. यस मैम. मैम यस अश्विन. मैम प्लीज कैन यू एक्सप्लेन बाइसल बाइसन पैनल पार्टीशन, मतलब ये किस मटेरियल के होते हैं? एंड बिकॉज मैम इसमें इसका इंस्टॉलेशन दिया हुआ है बट इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसकी. इसका किसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मैम? बाइसन पैनल पार्टीशन, BISON. BISON. यस मैम. ये तो आई थिंक वो ब्रांड है. यस आई थिंक बाइसन इज अ ब्रांड, क्योंकि ये कोई मटेरियल नहीं होता है. Let me see. हाँ, Bison Panel is a company. इसलिए मे भी आपको नहीं मिल रहा होगा. इसमें दे हैव अलग अलग मटीरियल के फॉर पैनल्स. जैसे यू कैन गो टू देयर वेबसाइट. हियर इज द वेबसाइट. मैं मैसेज में डाल रही हूँ. ये है, इसमें इन्होंने आपने कंपनी की डिटेल दी है. ओके मैम. तो वो टाइप नहीं है, वो तो कंपनी है. अब जैसे ये वही चीज हो गई, जैसे कोरियन कोरियन बोर्ड्स कोई मटेरियल नहीं है, वो एक कंपनी है जो कि पैडलिंग बोर्ड्स बनाते हैं.
एंड हाँ यही वही है, इट्स लाइक कोरियन, कोरियन में होल्ड ऑन लेट मी, उन्होंने एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी से एक नया कॉम्पोजिट मटेरियल क्रिएट किया है, वैसे इन्होंने भी किया है. सी इसमें दे हैव अपने बाइसन पैनल की थर्मल प्रॉपर्टीज, उसमें सिस्टम्स क्या हैं, साइजेस क्या हैं. सो आई थिंक इट्स अ पैटेंटेड टेक्नोलॉजी जो इन्होंने काइंड ऑफ क्रिएट किया है ये पैनल, एंड इट इज यूनिक टू देयर कंपनी एंड देयर कंपनी ओनली. देन यू हैव कोरियन, लेट मी शो यू, क्योंकि मैंने कई बार मेंशन किया है कोरियन को, बट आई नेवर एक्चुअली शोन यू व्हाट इट इज. सो इस तरह के दे आर इमिटेशन पैनल्स जो आपको मार्बल जैसे मिलेंगे, क्वार्ट्ज जैसे, कोई भी स्टोन, कोई भी वुड, इस तरह के. सो इस तरह के टेराजो पैनल्स भी आते हैं जिसका इवन टच एंड फील भी स्टोन जैसा होता है या कॉन्क्रीट जैसा होगा, बट यू वोंट एक्चुअली हैव टू बाय द मार्बल या बाय कॉन्क्रीट एंड उसे बनवाना पड़ेगा, यू जस्ट गेट दोज पैनल्स बने बनाए. सो ये भी कंपनी ही है, पर इन्होंने एक पैटेंटेड मटेरियल क्रिएट किया है जो यही सेल करते हैं, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इन इंडिया में भी मिलता है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो जैसे मार्बल में यू गेट ट्रांसलूसेंट लाइट इफेक्ट, राइट, आप अगर मार्बल के पीछे से लाइटिंग करते हो तो वो ग्लो करता है पीछे से, ट्रांसलूसेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक, तो वो भी मिलेगा आपको इसमें. जैसे ऑनिक्स मार्बल में बैकलाइट इफेक्ट होता है, लाइक दिस, इस तरह से रियल मार्बल में इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट होता है नेचुरली बिकॉज वो ट्रांसलूसेंट होता है, वैसे ही कोरियन का भी होता है. तो ये एक तरह से एक सस्टेनेबल मटेरियल है क्योंकि यू वोंट हैव टू डिमोलिश माउंटेन्स एंड वहाँ पे आपको क्वारीज नहीं सेटअप करनी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट. एक्चुअली यू कैन जस्ट क्रिएट दिस मटेरियल इन अ फैक्ट्री. सो ये भी इसी टाइप का इफेक्ट क्रिएट करता है, दिस, राइट, ओके. मैम इसे लोग एज अ वॉल पैनल भी यूज कर सकते हैं? हाँ हम इसे एज अ वॉल पैनल यूज कर सकते हैं, किचन का काउंटर टॉप की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम, जैसे इन्होंने काउंटर टॉप में यूज़ किया है वैसे कर सकते हैं, वॉल पैनलिंग में कर सकते हैं, पार्टीशंस में भी, फॉल सीलिंग में भी कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है. तो इट्स बहुत ज़्यादा वेरीड इसके यूजेस और एप्लीकेशंस हैं. यस मैम, एंड आल्सो लुकिंग वेरी नाइस. यू नो अब तो लॉकडाउन खुल गया है, सो इफ यू गाइस वांट तो आप लोग कोरियन, आई फाइंड यू डीलर्स जो कोरियन रखते हैं, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो ये सब मटेरियल्स. जब तक आप लोग रियल लाइफ में नहीं देखोगे तब तक फील नहीं आता है कि व्हाट इट फील्स लाइक, क्या वो टच करने में भी एक्चुअली मार्बल या वुड जैसा लग रहा है या नहीं, यू नो. तो अंटिल यू सी इट रियली, फोटो में तो हू नोज, फोटोज में दीज आर पोस्ट प्रोसेसिंग करी हुई फोटोज, तो कुछ भी अच्छा ही लगेगा. यू कैन मेक एनीथिंग लुक नाइस.
they even oh that's great see BIM library download hai BIM is basically business integrated management building integrated management जैसे कि Revit होता है AutoCAD होता है Autodesk की काफ़ी सारी जो applications और softwares हैं वो उस आप use कर सकते हो it's mostly Revit पे होता है आप उसमें पूरे building का 3D model बनाते हैं right it's like a 3D software पर उसमें आप टीम के साथ वर्क कर सकते हो राइट जैसे इलेक्ट्रिकल टीम ने अपना इलेक्ट्रिकल लेआउट उसमें ऐड कर दिया एंड सर्विसेज इंटीरियर सर्विसेज वाले में प्लम्बिंग वाला ऐड कर दिया बीम्स स्ट्रक्चर वाले ने बीम्स वगैरह ऐड कर दी तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें हर सेपरेट टीम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हर टीम अपना इनपुट डाल सकती है उसी सेम 3D मॉडल में तो इट बिकम्स अ वेरी रियलिस्टिक वर्जन ऑफ द रियल लाइफ बिल्डिंग जो हम बनाना चाह रहे हैं एंड उसमें इफ़ आई चेंज समथिंग तो एवरीबडी एल्स कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली तो उस तरह से वर्क करता है सो BIM लाइब्रेरी डाउनलोड का मतलब ये हुआ कि Revit में आपको मटीरियल्स मिलते हैं एंड डोर्स के कॉम्पोनेंट होते हैं लाइक आपको अगर जैसे AutoCAD में डोर डालना है तो आप पहले एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो प्लान में डोर जैसा या एलिवेशन में डोर जैसा दिख रहा है एंड देन यू कैन यूज़ इट एनीवेयर बट Revit में और दे हैव लाइब्रेरीज ऑफ इन सब मटीरियल्स एंड कॉम्पोनेंट्स की जैसे आपको डोर बना हुआ मिल जाएगा उसमें आपको सिर्फ इंसर्ट करना होगा यू गेट विंडोज यू गेट मटीरियल्स यू गेट पैनलिंग मटीरियल्स आपको सारी चीज़ें उसमें बनी बनाई मिलती हैं यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट एंड इंसर्ट इट तो कोरियन हैज़ अ लाइब्रेरी कि आपको यही कोरियन के मटीरियल्स डालने हैं तो यू वोंट हैव यू कैन जस्ट यूज़ इट एंड पुट इट इन योर मॉडल सो दैट्स ग्रेट जैसे ये है आपको ये पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगी क्वार्ट्ज के पूरे सेट की यू विल गेट समथिंग इन पोर्सिलेन काउंटर टॉप्स राइट तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आप इफ यू वांट टू पुट आपको एक्चुअल इंटीरियर में हम कोरियन यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज देयर मटेरियल सो दैट इट विल लुक एग्जैक्टली रियलिस्टिक जैसा रियल लाइफ में दिखेगा सो दैट्स ग्रेट Oh, they even create hardwares, sanitary hardware. That's nice. So, हाँ आप चाहो तो you can explore this website. क्योंकि जो नए materials होते हैं as designers, we all should know about them. And हम लोग already discussed कर चुके हैं कि क्यों ये important होता है. जब तक हमें material नहीं पता होगा तब तक हमें नहीं पता होगा कि हम उसे भी design नहीं use कर सकते. Yes, I'll send you the link. There.
Ma'am, I have decided I'll be using a single sheet for each so that I can elaborate it with the details. Okay, all right. Thank you. Okay, so you can work on this case study, and next time जब भी material construction की class होगी उसमें I'll give you guys a design brief. ठीक है, तो हम लोग again concepts से start करेंगे next class में, तो please make sure कि case study तब तक complete हो जाए. Yes. तो पहले you're going to present your case study. नेक्स्ट क्लास में यू आर गोइंग टू हैव टू प्रेजेंट योर केस स्टडी पहले, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द डिजाइन. यस मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.